भारत की भूमि ही ऐसी भूमि है जहां नारी भूखे प्यासे रहकर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजन करती है। केवल एक भारत की भूमि है जहां नारी पति की लंबी उम्र की कामना करती है और चंद्रदेव से निवेदन कर कर कि पूर्णिमा के चंद्रमा ने जैसे राधा रानी के लिए सौभाग्यता का भाव प्रबल करा था, पूर्णिमा के चंद्रमा ने माता लक्ष्मी के अखंड सौभाग्य को प्रबल करा था, पूर्णिमा के चंद्रमा ने माँ जगत जननी पार्वती के अखंड सौभाग्य को प्रबल करा था, वही पूर्णिमा का चंद्रमा जो रुक्मणी और सतभामा के भी सौभाग्य को अमर करता है, वही चंद्रमा का स्मरण कर कर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म के कई लोग उस करवा चौथ के व्रत की बड़ी उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि इस दिन ठीक है, पर मेरे भारत जैसी माताएं भी तो लेकर आओ। केवल एक भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां माताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और दूसरे देश में जाकर देखना, ज्यादा टकर टकर करे तो पति ही बदल देती है। बड़ा विचित्र समय, ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार और ऐसा भाव, शुद्ध भाव भारत की भूमि के सिवाय कहीं नहीं मिल सकता। शायद इसीलिए विदेश के लोग अपनी भूमि को छोड़कर ब्रजमंडल में, काशी में, पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करते हैं। जो यहां मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। जो इस भारत की भूमि से प्राप्त हो सकता है वो संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। स्वतः के लिए नहीं, कई लोग नए नए विचार अपने अपने लिखकर आपके पास में भेजते होंगे, करवा चौथ पे पूजन कर रहे हो तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर जैसा आपकी सास ने, घर के बुजुर्गों ने जैसा बनाया है, जैसा बताया है, उस अनुसार करो। ज़्यादा ढोंगोर प्रपंच करने की जरूरत नहीं कि हमारी पड़ोसन तो चलनी में मुंडा देख रही थी तो हम भी चलनी में मुंडा देखेंगे। ये चलनी वलनी तो सब बात की आई है, चलनी का प्रसंग कहाँ आया? करवा चौथ की कथा में चलनी का प्रसंग केवल एक ही जगह पर आया है, कहाँ? उसकी कृपा कुछ ऐसी, विश्वास जागृत। पर अपनी सेवा के प्रकल्प को इतना मत बढ़ाना, इतना मत बढ़ाना कि आने वाली पीढ़ी तकलीफ पाए। जितना बनता है इस अनुसार पूजन। कई लोग वो चलनी वाला प्रसंग लेकर आ गई कि चलनी जरूरी है ना मुंडा देखने में, तो ये प्रसंग आपने करवा चौथ के कथा में पढ़ा होगा कि भाई अपनी बहन को भोजन कराने के चक्कर में अग्नि में चलनी में चांद दिखा रहा था, या पति का मुंह नहीं दिखाया। पर एक फिल्म चली थी, फिल्म चली थी जिसमें उसकी शादी भी नहीं हुई थी,
और उसके लिए चलनी में मुंडा देख रही थी, और वो प्रसंग को लोगों ने ले लिया और ये छल नहीं भाता भगवान को, प्रपंच नहीं भाता। आप देखो चलनी में मुंडा देख लो, चाहे अंगूठी के छल्ले में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसमें देखो। नहीं तो यहाँ तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सवेरे झगड़ा करे थे, एक इंटरव्यू लेने वाले पति पत्नी का करवा चौथ का व्रत था पत्नी का, और इंटरव्यू वाले पहुंच गए, टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने लगे, आपका व्रत है, व्रत है आपका, हाँ अच्छा कितने साल से कर रही हो, जब से भेरू मिला, ठीक बहुत बढ़िया। पति उठा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 15 मिनट बैठता फिर चले जाता, इंटरव्यू वाले परेशान हो गए, हम इससे कैसे बात करें। इंटरव्यू वाले ने पूछ ही लिया, आप बार बार उठ के कहाँ जा रहे हो, छत पे है, क्यों, चांद देखने, व्रत आपका है, नहीं किसका है, इसका है, तो चांद तुम क्यों देख रहे हो, सुबह से खाने को कुछ नहीं दिया है, कह रही थी अब तो दोनों साथ खाएंगे, तो तुम बाजार गए थे, नहीं जाने दिया, क्या करते हो, मोबाइल की दुकान है, दुकान नहीं खोली, मना कर दिया कि दुकान पे जाके समोसा खा लोगे अकेले, इसलिए क्या चाहते हो, ऊपर जाके किया और चंदा थे कि जल्दी निकल जा। इंटरव्यू वालों ने कहा अपना टीवी चैनल वापस बंद करो, चलो घर वापस। दादा इसका इंटरव्यू लेके ऊपर कहने जाएंगे, फिर लौट के कैसे आएंगे, ए दे राम। ये सब आप सभी को मेरे भारत भूमि की माताओं को, देश विदेश में बैठी हुई संस्कृति और सभ्यता में डूबी हुई मेरी माओं को करवा चौथ के व्रत की नमनता है, प्रणाम, खूब खूब शुभकामनाएं, आपका खंड सौभाग्य हो, बाबा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना कर रखे, भाव भक्ति से आप व्रत करें, मना नहीं पर दिखावा ना करें, उसमें दिखावे की मूलता नहीं है।